Hello, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good and staying safe and sound at their homes. So class 4, it's your English lecture and it's 24th of February. So open your course books and open your worksheet. And today we are going to revise the concept of the adjective. Okay. So open this worksheet and we will do the concept of adjective. Okay, adjective. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज डिफाइंड एज द वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन. एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को बताए. एंड वट इज़ अ नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी नाम को, किसी चीज़ को, किसी जगह को हम नाउन कहते हैं. और अगर इन तीनों चीज़ों को अगर डिस्क्राइब किया जाए, बताया जाए कि वो चीज़ों के बारे में बताया जाए, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे कि एडजेक्टिव होता है, जैसे आपको कोई किसी चीज़ की अच्छी क्वालिटी पता लगे या बैड क्वालिटी पता लगे. सो द गुड एंड द बैड क्वालिटी इज़ कॉल्ड द एडजेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रेड कार. अब इसमें कार, वट इज़ कार इन इट? कार क्या है? चीज़. और रेड क्या है? उसको बता रही है कि वो चीज़ कैसी है. कार कैसी है? रेड है. तो ये उसकी खासियत भी कह, अच्छी खासियत भी कह सकते हैं. और ये बता, आप कह सकते हैं कि उसको डिस्क्राइब किया है नाउन को. ठीक है, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव. देन अली हैज़ अ टॉल हाइट. अली की जो हाइट है वो क्या है? लंबी है. तो अब उसकी हाइट को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? कि उसकी हाइट कैसी है? लंबी. तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. देन शी गिफ्टेड मी अ वंडरफुल पेंटिंग. उसने मुझे एक बहुत अच्छी सी शानदार पेंटिंग जो है वो गिफ्ट की. तो पेंटिंग क्या है? नाउन है, चीज़ है. फिर और वंडरफुल यानी पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग कैसी है, वो क्या चीज़ बता रही है? वंडरफुल बता रहा है कि पेंटिंग क्या है? बहुत अच्छी है. तो वंडरफुल इज़ द एडजेक्टिव. देन ही इज़ वेरी फ्रेंडली इन बिहेवियर. वो बहुत फ्रेंडली है बिहेवियर में, यानी वो जल्दी फ्रेंड अच्छा है, मतलब अच्छे से बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है, यानी बहुत अच्छी जल्दी बातें करने लग जाता है अपने और जल्दी दोस्त बना लेता है. तो फ्रेंडली क्या है? उस बिहेवियर जो है, उसको चीज़ को किस किस को कहेंगे? इसमें नाउन क्या है? इसमें ही. ठीक है, ही क्या है? पर्सन. ठीक है, लड़का. तो उस लड़के के बारे में क्या बताया गया? कि वो फ्रेंडली है. तो फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव. ठीक है, आई हैव 5 पैकेट्स ऑफ स्वीट. मेरे पास 5 पैकेट हैं मिठाइयों के. तो मिठाइयाँ क्या हैं? नाउन. एंड मिठाइयाँ कितनी हैं, मतलब मिठाइयों को कोई कौन सा ऐसा वर्ड है जो बता रहा है कि मिठाइयाँ कैसी हैं या मिठाइयाँ कितनी हैं. ठीक है, तो 5 बता, द 5 इज़ द एडजेक्टिव. देन साइम लिव्स इन अ बिग बिल्डिंग. साइम एक बड़ी इमारत में रहता है. सो द बिग इज़ द एडजेक्टिव हेयर. ओके, एज यू कैन सी टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज. ठीक है, ये बड़ा ट्री है. ठीक है, तो ट्री क्या है? नाउन. और बड़ा है तो ये उसकी खासियत है. तो ये बता रहा है एडजेक्टिव. फिर एक और ट्री है नाउन. और जो उसकी हाइट, उसकी जो लेंथ है वो कम है, शॉर्ट है. तो वो क्या बता रहा है? कि वो एडजेक्टिव है. देन बिग एंड स्मॉल बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स क्या है? नाउन. और लंबा होना या छोटा होना उनका क्या है? एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव इज़ द गुड क्वालिटी और अ बैड क्वालिटी. और जो एक नाउन को डिस्क्राइब करती है उसे कहते हैं एडजेक्टिव. देन इस आपकी एक्सरसाइज है, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस. ज़ारा इज़ एन इनोसेंट सर्वेंट. ज़ारा जो है एक मासूम सी मुलाजिम है. ठीक है, ज़ारा क्या है? नाउन. और वो कैसी है? इनोसेंट. सो इनोसेंट इज़ द एडजेक्टिव. देन दीज मैंगोज़ आर वेरी टेस्टी. ये जो आम है बहुत मज़ेदार हैं. तो मैंगोज़ क्या है? नाउन. एंड द टेस्टी इज़ द एडजेक्टिव. देन देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. या मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं. सो स्टूडेंट्स इज़ द नाउन एंड 30 इज़ द एडजेक्टिव. देन शी हैज़ शार्प नेल्स. उसके बहुत तेज़ नाखून हैं. तो नाखून क्या है? नाउन. एंड शार्प इज़ द एडजेक्टिव. क्योंकि नाखून की खासियत या नाखून के बारे में बताया जा रहा है कि नाखून कैसे हैं, तो वो जो वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव. द ओल्ड मैन हैज़ अ स्मॉल अम्ब्रेला. जो बूढ़ा आदमी है उसके पास एक छोटी सी अम्ब्रेला है. अम्ब्रेला इज़ द नाउन एंड स्मॉल इज़ द एडजेक्टिव. सो दीज ऑल आर द सेम. सो यू ऑल हैव टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट बाय सॉल्विंग दीज 1, 2, 3, 4, 5. आप यू ऑलरेडी हैव सॉल्व इट. आपने बुक्स में सॉल्व किया होगा. सो आप इसको एक दफ़ा दोबारा देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें. टेस्ट योर सेल्फ कि आपको जो लग रहा है वही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं. देन कम टू द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन विद अनदर नाउन. कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है जिसमें आप एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करें. और सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है जिसमें आर यूज्ड टू कंपेयर 3 or more नाउन, जिसमें आप 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर करें. ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में देन यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे अब आप एक चीज़ है, ठीक है, और आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो बीच में क्या लगेगा? देन. जैसे दिस टेबल इज़ बेटर देन दैट टेबल. ठीक है, तो
देन या बीच में लगते हैं, यानी इससे, इस ये टेबल इस टेबल से बेहतर है, ठीक है। तो जब आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होता है, कंपैरेटिव कोई सेंटेंस आपके सामने आएगा तो उसमें देन लाजमी लगा होगा और उसमें ER लगा होगा। जैसे मैंने आपको भी बताया, दिस टेबल इज बेटर देन बेट, और आप देखें बेटर 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 में क्या है एंड पे ER, ठीक है। अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में लगता है दा, देन नहीं लगता, दा लगता और लगता है ईएस्ट, ठीक है। जैसे दिस इज द बेस्ट क्लास, ठीक है, दिस इज दा, दा क्या आ गया, और बेस्ट में आप एंड पे देख सकते हैं EST। सो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगे उसमें ER वाला होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा EST। यानी जो सेकंड फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं कंपैरेटिव और थर्ड फॉर्म्स होती हैं सुपरलेटिव। एज यू कैन सी कंपैरेटिव ER और सुपरलेटिव में EST, और कंपैरेटिव हम मोर यूज़ करते हैं या मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, ठीक है। ब्यूटीफुल की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कंपैरेटिव क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड सुपरलेटिव इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो नाउ कम टू थर्ड पेज। इधर उन्होंने हमें एडजेक्टिव दिए स्वीट, ठीक है। स्वीट की कंपैरेटिव स्वीटर, स्वीटेस्ट, देन गुड, बेटर, बेस्ट, देन ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, देन फार, फार्दर एंड फार्देस्ट। ओके, सो फिल इन दीज ब्लैंक्स। अब आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स पर लगा कर, ठीक है। और अब आपको ब्रैकेट में उन्होंने एडजेक्टिव दिया, अब आपने इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म लगानी है। और अब आप कैसे लगाएंगे, आपने नोट करना है जहाँ देन होगा वहाँ क्या लगेगी सेकेंड, और जहाँ दा होगा वहाँ आप, जहाँ ब्लैंक से पहले दा होगा वहाँ आप क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर इज डैश देन मीन स्मार्ट, मेरा भाई मेरे से ज़्यादा क्या है स्मार्ट लिखा है उन्होंने, तो क्या लिखेंगे सेकंड फॉर्म, येस देन, बिकॉज देर इज देन, सो वी विल राइट स्मार्टर देन। शी इज़ द डैश स्टूडेंट, शी इज़ द डैश स्टूडेंट इन द क्लास, और पूरी वो कैसी स्टूडेंट है क्लास में, पूरी क्लास में इंटेलिजेंट, और क्या लिखा है उन्होंने शी इज़ द, तो क्या लिखेंगे द कहाँ आते हैं सुपरलेटिव में, तो इंटेलिजेंट की सेकेंड फॉर्म इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता, मोर इंटेलिजेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। She is the most intelligent student in the class. Then I have a dash umbrella in the class. मेरे पास कैसी umbrella है class में, big, ठीक है। तो अब I have a big की second form क्या होगी, big, bet, I have a big umbrella in the class, और हम second form क्या लगेगी इसकी, I have a better umbrella in the class, या best umbrella, I have a बेटर अम्ब्रेला, आई हैव अ बिग अम्ब्रेला इन द क्लास, को अब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म। इधर अब देन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं आई हैव अ डैश अम्ब्रेला इन द क्लास, आई हैव अ बेटर अम्ब्रेला इन द क्लास, देन दिस नाइफ इज डैश देन योर्स। अब यहाँ पे फिर देन आ गया, तो वो विल यूज़ अ कंपैरेटिव फॉर्म, यानी देन है तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी शार्प की सेकंड फॉर्म, शार्पर, द नाइफ इज शार्पर देन योर्स, दिस नाइफ इज शार्पर देन योर्स, ये जो शाई नाइफ है ये तुम्हारी नाइफ से ज़्यादा शार्प है। Okay, so this was the concept of comparative and superlative forms. So I hope you all will keep this in mind, because this is included in the papers. So good luck, and we will meet tomorrow, and we will continue our rest of the worksheet. So till then, take care. Love you.